सोमबारबाट भारतभरि कोरोना विरुद्ध बुस्टर भ्याक्सिन लगाइन थालियो। यस क्रममा कालेबुङमा पनि बुस्टर भ्याक्सिन लगाउन थालियो। 60 वर्षभन्दा माथि नागरिकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू अनि फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई लिएर कालेबुङमा बुस्टर भ्याक्सिन लगाउन थालिएको छ। कालेबुङका 3 खण्ड लगायत नगरपालिका क्षेत्रमा कोभ्याक्सिन अनि कोभिसिल्डको बुस्टर भ्याक्सिन लगाउन थालिएकोमा वरिष्ठ नागरिकहरूले सरकारको सराहना गरेका छन्। नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत एसयुएमआई र युपिएचसी परिसरमा पनि भ्याक्सिन लगाउने कार्य जारी रहेको नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले जानकारी गराएका छन्। र विशेष गरी यो अहिले घरि फेरि भ्याक्सिन लगाउनको निम्ति बुस्टर, जसलाई थर्ड डोज पनि भनिँदैछ, र यसको निम्ति अहिले घरि आजको दिनदेखि एसयुएमआई अनि नगरपालिका परिसर जुन चाहिँ युपिएचसी छ त्यहाँनिर लगाउने काम भइरहेको छ। र कोभ्याक्सिन जसले लगाउनु भएको छ उहाँहरूलाई युपिएचसीमा आइदिने हामी आग्रह गर्छौँ, अनि एसयुएमआई परिसरमा कोभिसिल्ड जसले लगाउनु भएको छ र यसको निम्ति 39 हप्ता जसको सेकेन्ड भ्याक्सिन लगाएको पूर्ण हुन्छ उहाँहरूकोमा एउटा रिमाइन्डर स्वरूप एउटा मेसेज जाने गर्छ रजिस्टर मोबाइलमा, र त्यो मेसेजको अन्तर्गत तपाईँहरूले गएर भ्याक्सिन लगाउनु सक्नु नै हुनेछ। साथै जो जसले रजिस्टर गर्दाखेरि अन्यको मोबाइलमा रजिस्टर भएको छ र उहाँलाई याद भएन भने पनि 39 हप्ता काटिएको यदि उहाँले उहाँलाई थाहा भएको अनुसार उहाँले गएर फेरि पनि माथि भिओटीयूसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो आधार कार्ड देखाएपछि तपाईँहरू इलिजिबल हुनुहुन्छ हुँदैन त्यो थर्ड डोजको लागि बुस्टरको निम्ति, उहाँहरूले तपाईँलाई प्रश्न बताइदिनुहुन्छ र तपाईँलाई भ्याक्सिन पाउनुहुन्छ। र विशेष चाहिँ यो थर्ड डोजको निम्ति बुस्टरको निम्ति पहिलो चरणमा चाहिँ जो वृद्ध अवस्था भनौँ 60 वर्षदेखि माथि जो जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लगाइने गर्छ। साथै हेल्थ वर्कर अनि फ्रन्टलाइन जो वरियरहरू हुन्छ उहाँहरूलाई यो पहिला चरणमा लगाउने यो थर्ड डोज चाहिँ यो उपलब्ध गराएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जो जति पनि फ्रन्टलाइन वर्करहरू हुनुहुन्छ, साथै हेल्थ वर्करहरू अनि जति पनि 60 वर्षदेखि उमेरको माथिको उमेरका हाम्रो बुजुर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ तपाईँहरूले गएर झट्टै यो बुस्टर लगाइदिने र आफू सुरक्षित राख्ने र सम्पूर्ण आफ्नो गाउँघरलाई अनि कालिम्पोङलाई सुरक्षित राखिदिनुको निम्ति अग्रसर भइदिने हामी आग्रह गर्छौँ। मैले 9 महिना अगाडि मार्चमा लगाएको थिएँ तल म्युनिसिपालिटी स्कुलको माथिपट्टि कोभ्याक्सिन 9 महिना अगाडि, अन्त हिजो अस्ति मेसेज आयो कि बुस्टरको त्यो टाइम भयो भने त्यहाँदेखि यहाँ गभर्मेन्ट इनिसिएटिभ लिएको राम्रो हुने होइन र यत्रो यति 1-2 होइन यत्रो पपुलेसनमा यसरी सिरियली एकदम इन्ट्रेस्ट लिएर गर्नुभयो, हामी पनि इन्ट्रेस्ट लिनु पऱ्यो। अर्कोतिर सिलगढीमा पनि जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रमा बुस्टर डोज दिन थालिएको छ। दोस्रो डोजको 9 महिनापछि मात्र बुस्टर डोज मिल्नेछ। अहिले अग्रपङ्क्तिमा रहेका कोरोना लडाकुहरूलाई ती बुस्टर डोज दिन थालिएको छ। पूर्व मन्त्री तथा नगर निगम बोर्डका पूर्व अध्यक्ष गौतम देवले नगर निगम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नम्बर 5 बुस्टर डोज लिएका छन्। उनले भने, 9 महिनापछि बुस्टर डोज लिएको छु, यसले मेरो चिन्ता धेरै कम गरेको छ। तर जिल्लामा भने ग्राफ अलिक बढेको छ, तैपनि आत्तिनुपर्ने कुरा छैन। सरकारी कर्मचारी इन्द्रजित नापले जसरी कोरोना बढिरहेको छ त्यसमा खोपले प्रकोपलाई रोक्न मध्य सहयोग गर्नेछ भने भए त अब आमा नै एक्चुअली ভয় পাই না, এটা আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই, কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে। মাস্ক, স্যানিটাইজার, একটু দূরত্ব, এই 3 জিনিস খুব জরুরি। আমি 1 মার্চ আর 30 মার্চ তখন 28 ছিল, 2 ডাবল ডোজ নিয়েছিলাম। আমার তার আগে নভেম্বর মাসে কোভিড পজিটিভ ছিল, 20 হাসপাতালে ছিলাম, কোমরবিডিটি ছিল আমার অনেক। তো যাই হোক, এন্টাইটেলমেন্ট আজকে আমার হয়েছে এবং আজকেই তো দেশে শুরু হয়েছে বুস্টার, মেসেজও পেয়েছি ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে কথা বলে। আর যেহেতু পুরসভায় আমি প্রশাসক বোর্ডে ছিলাম, আমি মেডিকেল কলেজে না গিয়ে আমার নিজের প্রতিষ্ঠানেই বুস্টার ডোজটা নিলাম। বুস্টার ডোজ নিলাম, এক তো সেফ, নিজেকে সেফ, পারিপার্শ্বিক লোককেও সেফ বুস্টার। এবং আমরা সামান্য ইলেকশন সামনে, শিলিগুড়ি কর্পোরেশন ইলেকশন আছে, তাতে আমরা অনসাইট কাজও করব। হ্যাঁ, তাতে তো আমাদের কিছুটা নিজস্ব হয়েও এবং পারিপার্শ্বিক উপকার হবেই। হ্যাঁ, আর এটার কতখানি গুরুত্ব সেটা মেডিকেল লাইনের ব্যাপার, তো আমরা তো চাই গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে, কিছুটা সেফ থাকব। ক্রমশ বুস্টার ডোজ দিনে কার্য দার্জিলিংমা পনি থালিয়েকো ছ। এসে ক্রমে করোনা সংক্রমণকো দর দিন প্রতিদিন বড়িরহেকো বিষয়লাই ধ্যানমা রাখের দার্জিলিং জিল্লা স্বাস্থ্য বিভাগলে আগামী 2-3 দিন ভিতরে দার্জিলিংকো বতাসেমা সেফ হোম শুরু গর্ন নিদো গরেকো ছ।
यद्यपि थर्ड वेभको यस संक्रमणमा परेका अधिकांश रोगीहरू आफ्नो घरमा नै निको भइरहेको दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालका सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुभाषिस चन्दाले बताएका छन्। हाँ, केसेस अभी थोड़ा बड़ा है, कोलकाता में जितना बड़ा है इतना नहीं है, लेकिन अभी हर रोज कुछ कुछ केस आ रहा है। हाँ, एक्टिव केस अभी हो गया 30-40 का आसपास एक्टिव केस हो गया लास्ट विदिन लास्ट टू वीक्स थ्रू आउट। तो ज़्यादा से ज़्यादा केस इस बार देखा जा रहा है कि मैक्सिमम माइल्ड ही हो रहा है, मैक्सिमम ही होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाते विद इन फ्यू डेज। लेकिन जो एजेड आदमी हैं और कोमॉर्बिडिटी है उनका सचेतन रहना चाहिए। ऑलमोस्ट सेम बट थोड़ा जो फीवर, बॉडी एक रनिंग नोज, ये सिम्टम थोड़ा ज़्यादा देखा जा रहा है। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को सिम्टम कम ही है। इसमें रिकवरी भी हो रहा है? रिकवरी मैक्सिमम ठीक हो रहा है। हम लोग का हॉस्पिटल में ऐसा वार्ड है, इसको साथ कुछ कुछ ये खुलेगा सेफ होम कोविड केयर सेंटर, वो कुछ खुलेगा विद इन 2 or 3 days बतासिया खुल जाएगा।